पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह दास्तां है एक बहुत ही अनोखे संगीतकार की, जिन्हें हम महान संगीतकार जयदेव के नाम से जानते हैं। जन्म हुआ 3 अगस्त सन 1918 शहर नैरोबी, देश कीनिया। इनके पिता चाहते थे कि जयदेव बहुत पढ़ाई करें, पर कीनिया में उस वक्त एजुकेशन की फैसिलिटीज जरा कम थीं, और उसके बाद इन्हें भेज दिया गया लुधियाना। ये मात्र 14-15 बरस के रहे होंगे जब इन्होंने पहली फिल्म देखी, अली बाबा और 40 चोर। उस फिल्म को देखने के बाद इन पर बड़ा गहरा असर हुआ। ये इतने मुतासर हुए कि इन्होंने मुंबई भागने का फैसला किया। इत्तफाकन इनके पिता मुंबई पहुंचे, जो उस वक्त बम्बई कहा जाता था, और वहां पर नन्हे जयदेव को ढूंढ लिया गया। ये वो वक्त था जब जयदेव साहब मुंबई की सड़कों पर मारे मारे फिर रहे थे। इन्हें वापस पंजाब ले जाया गया और एक स्कूल में इनका दाखिला करा दिया गया। लेकिन एक बार जिसे फिल्म का फितूर चढ़ जाए, वो किस तरह से शांत बैठ सकता है। जयदेव साहब के साथ भी वैसा ही हुआ। रेडियो स्टेशन में इन्हें गाने का मौका तो मिला, लेकिन वो मौके बहुत कम थे। ये वो वक्त भी था जब इन्हें अस्थमा का अटैक आ गया था, लिहाजा गायकी की दुनिया में ये अपना नाम कर पाएंगे, इस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया था। एक बार फिर ये मुंबई की तरफ रवाना हुए। किस्मत से इन्हें वाडिया मूवी टोन में बतौर स्टंट एक्टर रख लिया गया। इन्होंने नारद मुनि का किरदार निभाया था फिल्म वामन अवतार में, जो कि सन 1934 में बनाई गई थी। मुंबई में कुछ वक्त ये जरूर रहे, लेकिन उसके बाद इन्हें अपने करियर को बीच में छोड़कर वापस पंजाब जाना पड़ा। ऐसा बताया गया कि इनके पिता की आंखों की रोशनी चली गई थी, पर 2 मुंबई से लौट कर आने के बाद जयदेव साहब के अंदर फिल्म इंडस्ट्री का जुनून बिल्कुल भी गायब ना हुआ। 19 की उम्र में एक बार फिर ये पहुंचे मुंबई। ऐसा भी बताया गया कि जब जयदेव साहब की दिलचस्पी संगीत की तरफ बढ़ी, तब इनके मामा ने इन्हें एक उस्ताद के यहाँ भेज दिया, उस्ताद हरवल्लभ मेला। मुंबई कई बार आने जाने के बाद जयदेव साहब को यह एहसास हो गया था कि संगीत की दुनिया में ये कुछ काम कर सकते हैं। ये बतौर एक्टर तो काम कर चुके थे, पर मकबूलियत उतनी हासिल हुई नहीं थी। इत्तफाकन इनकी मुलाकात हुई संगीत के महान गुरु गुरु अली अकबर खान से, और इस मुलाकात ने इनकी जिंदगी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उसके बाद उस्ताद अली अकबर खान के संपर्क में आए चेतन आनंद, जो चाहते थे कि नवकेतन बैनर के लिए संगीत दें। बस इस तरह से जयदेव साहब का दाखिला भी हो गया नवकेतन बैनर में। अली अकबर खान साहब ने चेतन आनंद साहब की पहली 2 फिल्में आंधियां और हमसफर का संगीत दिया, जिसमें जयदेव साहब बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर काम करते रहे। इस बीच नवकेतन प्रोडक्शंस में दाखिला हुआ महान संगीतकार सचिन देव बर्मन का, और जयदेव साहब बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर सचिन देव बर्मन के साथ भी काम करने लगे। सन 1955 में बतौर संगीतकार जयदेव साहब को एक मौका मिला फिल्म रही जोरू का भाई। उसके बाद इन्होंने कभी पलट के नहीं देखा। हालांकि तकरीबन इन्होंने सिर्फ 40 के करीब फिल्मों में संगीत दिया होगा, लेकिन वो संगीत बड़ा मकबूल हुआ। नवकेतन बैनर की आखिरी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म हम दोनों का संगीत जयदेव साहब ने ही दिया। वो गाने आज भी बड़े मकबूल हैं, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, अभी ना जाओ छोड़कर, वगैरह वगैरह। ये बात भी गौर करने लायक है, जयदेव साहब सदैव ओरिजिनल काम करना चाहते थे। ये सोच इनकी ताकत भी थी और कहीं ना कहीं आगे जाकर हल्की सी कमजोरी भी बनी। ये बात भी गौर करने लायक है कि जयदेव साहब ने ही जबरदस्त गजल गायक हरिहरन को ब्रेक दिया था फिल्म गमन में। महान कवि हरिवंश राय बच्चन साहब का काव्य संग्रह मधुशाला का संगीत भी इन्होंने ही दिया, जिसे मन्ना डे साहब ने गाया था। जयदेव साहब की जिंदगी में बड़े अजब उतार चढ़ाव रहे। कीनिया से पंजाब, पंजाब से मुंबई, फिर लखनऊ, अलग अलग दोस्त मिले, गुरुओं का संरक्षण भी मिला, बतौर फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर भी काम करना इन्होंने शुरू किया, लेकिन बीच बीच में गुमनामी का अंधेरा भी इनकी जिंदगी पे छाता था। गौर करने वाली बात यह है, भले ही इन्होंने कम फिल्मों के लिए संगीत दिया हो, अधिकतर इन्होंने एसडी बर्मन साहब के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया हो, लेकिन जो भी संगीत इन्होंने दिया उसके लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया, रेशमा और शेरा, गमन और अनकही। बतौर अभिनेता
इन्होंने फिल्म कीमत, मिस फ्रंटियर मेल, हंटर वाली और मर्तंद वर्मा में काम किया था। इन्हें लता मंगेशकर अवार्ड से भी नवाजा गया, पर इनके आखिर के दिन नहायत ही तन्हाई में बीते। ये चाहते थे ये संगीत के साथ ही जुड़े रहें, इसलिए इन्होंने शादी नहीं की थी और 6 जनवरी सन 1987 में मात्र 68 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। भारतीय सिनेमा के इतिहास में जब भी कभी महानतम संगीतकारों का नाम आएगा, उस फहरिस्त में जयदेव साहब का नाम भी शामिल होगा। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।